दोस्तों, पाइपिंग एंड मैकेनिकल गाल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे मेजरिंग टेप में फुट, इंच, सूत, सीएम, एमएम क्या होता है और किसी भी पाइप के 90 डिग्री एल्बो का सेंटर कैसे देखेंगे, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ये मेजरिंग टेप है। मेजरिंग टेप में ये यहाँ इसमें प्ले क्यों दिया जाता है, तो इसको ऐसे मेजर करते हैं तो ये एक्यूरेट माप के लिए यहाँ इसमें प्ले दिया रहता है। जैसे इसे मेजर करेंगे तो एक्यूरेट माप आएगा, इसके लिए इसमें प्ले दिया रहता है। और इसमें यहाँ से ये ऊपर का जो देख रहे हैं आप, ये इंच है, इसको इंच बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो एक इंच के बराबर है। ऐसे ही एक इंच, दो इंच, तीन इंच, चार इंच, पाँच इंच, छः इंच, सात इंच, आठ इंच, नौ इंच, दस इंच, ग्यारह इंच, बारह इंच, जो यहाँ एक फीट दिखाई दे रहा है यह बारह इंच में एक फीट होता है। यह हो गया फीट। और ये जो नीचे का आप देख रहे हैं ये होता है सेंटीमीटर एमएम। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, तीन और चार, ये जो लिखा है पाँच छः सात, ये हो सेंटीमीटर। और इसमें जो छोटे छोटे ये लाइन दिया हुआ है यह एमएम है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसमें दस लाइन है, तो एक सेंटीमीटर में दस एमएम होगा। यह हो गया एमएम। और जान लेते हैं मीटर। यह सेंटीमीटर सेंटीमीटर एमएम है। तो यहाँ पे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ये आपका 1000 एमएम या 100 सेंटीमीटर बराबर होता है एक मीटर, जो यहाँ एक मीटर लिखा रहता है, इसमें दिया नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं सूत एक इंच जो है इसको आठ भाग में बांटा गया है। जैसे कि एक इंच को पहले एक पार्टीशन में हम यहाँ बांट दिए तो ये आधा आधा हो गया, फिर इसको आधा पार्टीशन में यहाँ जो लाइन दिखाई दे रहा है इसको बांट दिया, तो फिर इसका भी आधा बांट दिया, तो ये हो गया, तो इसमें आठ ब्लॉक हो गया, आठ भाग हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो यह हो गया एक इंच में आठ सूत। तो एक इंच में आठ सूत होता है। और ये एक जो एक ये ब्लॉक है ये हो गया एक सूत, जो एक सूत में 3.1 एमएम होता है। दोस्तों, याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताया हूँ। इसमें किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो किलोमीटर में 10 से गुणा करेंगे तो हेक्टामीटर आ जाएगा, और 10 से इसमें जब गुणा करेंगे तो डेकामीटर आएगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो मीटर आएगा, मीटर में जब 10 से गुणा करेंगे तो डेसीमीटर आएगा, डेसीमीटर में जब 10 से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर आएगा, और सेंटीमीटर में जब 10 से गुणा करेंगे तो एमएम आएगा। ऐसा ही नीचे है, इसमें भाग देते जाएंगे तो जैसे मिलीमीटर में 10 से भाग देंगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसा ही इसको याद कर लेंगे। और एक और ट्रिक बताया हूँ, जैसे के एच डी यू डी सी एम, मतलब इसको याद करने के लिए खड्डू डी सी एम, मतलब के किलो और यच हेक्टा, डी डेका और यू, यू को मतलब यू मतलब ये यूनिट होता है, और डी डेसी, सी सेंटीम और यम मिली। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और इस टेप में हर 16 इंच पे एक ब्लैक डायमंड मार्क होता है। तो यह क्यों होता है, तो यह सिविल में 16 इंच पे स्टड होता है जिसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और यह अमेरिका में एक मानक दूरी होता है जो कारपेंटर में ब्लॉक बनाने में काम आता है, यही इसका दो यूज है। और किसी भी पाइप का एल्बो सेंटर देखना है तो कैसे देखेंगे कि कितने इंच के पाइप का एल्बो सेंटर कितना है, तो दो इंच का देख लेते हैं। दो इंच का एल्बो सेंटर निकालेंगे पाइप का, तो इसका दो इंच पाइप का एल्बो सेंटर दो इंच का है तो उसका डेढ़ा कर देंगे, उसका डेढ़ा कर देंगे तो ये हो जाएगा दो का डेढ़ा तीन। तो तीन के जो एक्यूरेट ये इंच है, एक्यूरेट के जो सामने इसके आएगा एक्यूरेट एकदम जो एमएम में यहाँ पे, तो इसको इंच के जो सामने एमएम रहेगा तो हो जाएगा पाइप का एल्बो सेंटर। जैसे दो इंच के पाइप का एल्बो सेंटर होता है 76, तो ये इसके सामने आ रहा है 76, तो ये हो गया एल्बो सेंटर।
जैसे 4 इंच का मतलब देख लेते हैं, 4 इंच का जब डेढ़ा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6, 6 हो जाएगा, तो 6 इंच के जो सामने आएगा ये 152, तो 4 इंच के 4 इंच का जो एल्बो सेंटर है वो होता है 152। दोस्तों आई होप मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पाइपिंग से संबंधित किसी और चीज़ में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और साथ साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। बी केयरफुल एट वर्क प्लेस एंड टेक केयर।